बिटकॉइन के प्राइस में रैपिड फॉल आने के बाद BTC 29-30,000 के लेवल पर लास्ट कुछ दिनों से कंसोलिडेट कर रहा है। लास्ट ईयर बिटकॉइन क्रैश में 20,000-30,000 डॉलर का बॉटम बना था और यहीं से बिटकॉइन में रिकवरी देखने को मिली थी। करंटली ये लेवल सपोर्ट की तरह एक्ट कर रहे हैं लास्ट कुछ डेज से। इसी के बारे में आज की वीडियो में हम बात करेंगे और एनालाइज करेंगे बिटकॉइन के चार्ट को। वेलकम टू आवर चैनल क्रिप्टो माइंडर्स। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। बिटकॉइन के डेली चार्ट पर आप देख सकते हैं 40,000 के प्राइस से रैपिड फॉल आने के बाद बिटकॉइन ने 28,000-30,000 की रेंज को होल्ड करके रखा है और इसी रेंज पर कंसोलिडेट कर रहा है। इसे यहां पर कंसोलिडेट होते हुए 2 वीक के अराउंड हो चुके हैं। अगर BTC अपने इस सपोर्ट रेंज को डाउनसाइड ब्रेक करता है तो इसका प्राइस $24,000 की तरफ मूव कर सकता है। इसके अलावा हम 20,000 के लेवल को भी देख सकते हैं बिटकॉइन के चार्ट पर, क्योंकि इस सपोर्ट रेंज के ब्रेक होने के बाद नेक्स्ट मेजर सपोर्ट $20,000 ही है। इसके अपोजिट अगर बिटकॉइन के प्राइस में यहां से रिकवरी देखने को मिलती है तब बिटकॉइन के प्राइस हमें फर्स्ट 35,000 के रेजिस्टेंस लेवल को टच कर सकता है एंड नेक्स्ट मेजर रेजिस्टेंस लेवल है $40,000 का, जिसको ब्रेक करना BTC के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होगा। इसके अलावा 50 DMA एंड 100 DMA दोनों डायनेमिक रेजिस्टेंस की तरह वर्क करेंगे बिटकॉइन के लिए। ओवरऑल बिटकॉइन का चार्ट देखने में काफ़ी वीक लग रहा है, जिस वजह से बिटकॉइन में डाउन ट्रेंड कंटिन्यू रह सकता है। बट डाउन ट्रेंड आने से पहले हमें बाउंस बैक देखने को जरूर मिलेगा, क्योंकि बिटकॉइन अभी बहुत ओवरसोल्ड जोन में है और मोस्ट प्रोबेबली ये बाउंस बैक एक ट्रैप की तरह काम करेगा। अब बात करते हैं बिटकॉइन के शॉर्ट टर्म चार्ट की। बिटकॉइन के चार्ट को 4 आवर के टाइम फ्रेम पर करने पर आप क्लियरली देख सकते हो बिटकॉइन का प्राइस फेल रहा है $35,000 के रेजिस्टेंस लेवल को रिटेस्ट करने में और लास्ट 2 वीक से एक ही रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है और ये कंसोलिडेशन डे बाय डे नैरो होता जा रहा है। कंसोलिडेशन के नैरो होने का मतलब है जल्दी हमें बिटकॉइन के प्राइस में रैपिड मूवमेंट देखने को मिलेगी। बिटकॉइन का प्राइस इस रेंज बाउंड कंसोलिडेशन को जिस भी तरफ ब्रेक करेगा, हाई और लो साइड, वही डिसाइड करेगा हमारे शॉर्ट टर्म ट्रेंड को। RSI इंडिकेटर भी 50% लेवल के नीचे ट्रेड कर रहा है, जो इंडिकेट कर रहा है मार्केट बियर्स के कंट्रोल में है एंड बेरिश ब्रेक यहां पर हो सकता है। और अगर प्राइस इस करंट रेंज को अपसाइड ब्रेक करता है तो 35,000 का लेवल हमारा फर्स्ट टारगेट होगा। ये था दोस्तों आज का हमारा वीडियो। आई होप आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा, इसलिए वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड लास्ट हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। जय हिंद।